सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। पिछले दिनों पंजाब भाजपा के पंजाब प्रधान पद में हुए फेरबदल के बाद पंजाब भाजपा के प्रधान श्री विजय सांपला की जगह भाजपा द्वारा श्री श्वेत मलिक जी को भाजपा पंजाब का नया प्रधान नियुक्त किया गया था, जिसके बाद आज 8 अप्रैल को चंडीगढ़ में भाजपा के पंजाब दफ्तर में श्री श्वेत मलिक जी की ताजपोशी संबंधी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जहां पूरे पंजाब से इस ताजपोशी में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वहीं आज राजपुरा से भी भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल सहित जिला भाजपा के प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल व गनौर से भाजपा के बड़े नेता श्री विकास शर्मा की प्रधानगी में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता चंडीगढ़ में भाजपा पंजाब के नए बने प्रधान श्री श्वेत मलिक जी की ताजपोशी में कारों के एक बड़े जत्थे में राजपुरा से रवाना हुए। इस मौके पर चंडीगढ़ में रवाना होने से पहले भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल सहित जिला भाजपा प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल, गनौर से भाजपा नेता विकास शर्मा, पूर्व चेयरमैन श्री नंदलाल शर्मा, स्वर्गीय श्री राज खुराना जी के सुपुत्र श्री तरुण खुराना सहित मंडल प्रधान श्री बग्गा जी ने न्यूज 89 की टीम से विशेष बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस ताजपोशी के बारे में भाजपा के बड़े नेताओं का क्या कहना है। अप्रैल 11 बजे प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक जी, जो पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बन के पहली बार बीजेपी दफ्तर के अंदर उन्होंने समारोह रखा हुआ, उन्होंने सारे मुबारकबाद भी देंगे और वो अपनी चेयर पर भी बैठेंगे। वो ये साढ़े लिए एक त्यौहार की तरह होता, इसलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारे ही लीडर जिन्हें भी है असं जा रहे हैं उन्होंने बधाई देने वास्ते और उस समारोह शामिल होने। तो प्रधान किसी एक ने बनना होंगे, पार्टी सारे मिल के चलाते हैं, इसलिए असं सारे ही श्वेत मलिक जी का सहयोग करने के लिए समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। राजपुरा तो किन्ने क वर्कर उत्थे जा रहे हैं जी थोड़ी प्रधानगी? इस तरह कनौर तो बिक्की जी 10 गड्डिया लैके आए ने, राजपुरे तो भी कोई 40 के करीब गड्डिया ने और इस तरह 20 के करीब बनूर तो ने, अलग अलग जगह तो सारिया जगह तो आ रहे हैं, सारे ही कार्यकर्ता आ रहे हैं। गरेवाल साहब, ये जड़ा सारा ग्रुप तुहाडे तरफों जा रहा है, कोई और भी कोई हो जाए बीजेपी का राजपुरा लैके जा रहा हो? सानू जानकारी नहीं लैके जा रहे होंगे, जाना चाहिए उन्होंने भी, जाना चाहिए सारे बीजेपी के। मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है वैसे, मैं तो पंजाब बीजेपी का वाइस प्रेजिडेंट हाँ, तो इदा के ग्रुप मैं विश्वास नहीं रखता, पर असं तो सारे ही कार्यकर्ता अपने हैं, जो कोई रखता भी होगा उन्होंने तो पूछा जा सकता, मैं नहीं इसकी जानकारी। लाओगे कि मतलब अलग अलग ग्रुपबाजी खत्म की जाए या कुछ है? आप ही खत्म हो जानी है, जो काम करते हैं वो पार्टी चके रेंगे, जोड़े काम नहीं करते है निकमे होंगे वो आपे पिछे हो जाते हैं। तो हमेशा एक रवायत है सारिया पार्टिया, क्योंकि राजपुर जिला प्रधान जी भी नहीं है तो मंडल प्रधान जी भी नजर नहीं आ रहे, वो आपके काम कोई उन्होंने को होगा कर रहे होने, मैं तो पता नहीं उन्होंने ठीक करना उन्होंने। ठीक है नागपाल जी, अज जो ताजपोशी से जा रहे हो श्वेत मलिक जी की, उस बारे चा की कहना, किस तरह देखते हो इस प्रोग्राम में? अज श्वेत मलिक जी की ताजपोशी से बहुत वधिया उत्साह है, वर्करां च जोश है पूरा, और साडे पटियाले जिले तो असं उस दिन भी कहा सीगा, विनीत जोशी जी आए थे पटियाले जिले तो, तकरीबन 40 दियां गड्डियां जिहड़ियां हैगा काफला साडा जा रहा हैगा, और कनौर तो बनूर तो राजपुरे तो सनौर देवीगढ़ मंडल तो साडा 40 गड्डियां तो वध बहुत वधिया रहेगा, क्योंकि श्वेत मलिक जी एक छोटे कार्यकर्ता छोटे पद्धर तो उठे हुए हैं, उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं बारे पूरी जानकारी है भी किस तरह काम करन दा तजर्बा भी है, छोटे लेवल तो एक एम सी की लड़ाई लड़के उन्होंने एडा वड्डा सफर तय करिया हैगा, राज्यसभा मैंबर भी ने और पंजाब के प्रधान ने, और असी सारे रल के श्री तरुण खुराना जी, साडी जिले की टीम संदीप जिंदल जी, रजिंदर अधिकारी जी, शांति सपरा जी, अपना छाबड़ा जी, साडे सारी महिला मोर्चा की टीम, सारी साडी टीम जिहड़ी हैगी है रल के एक हो गया जी। तो मतलब एक जिहड़ा हैगा अज जाण दा जिहड़ा प्रोग्राम है, एक जगह क्यों नहीं रखा गया, कई जगह तो जिहड़ियां हैगियां बसा वगैरह या कार वगैरह रवाना हो? इस तरह हैगा साढ़े जिले के 3 कंस्टीचुएंसियां ने, साढ़े को 3 कंस्टीचुएंसियां जिवें राजपुरा सनौर कनौर, अलग अलग जिवें जिम्मेवारियां दित्ती हुई ने, हर एक बंदे की ड्यूटी लाई हुई है, हर कार्यकर्ता की, हर एक कार्यकर्तावान ने जिवें है 10-10 कारां अपना काफिला लेके जाना है, उवें सारे अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं और अपनी गड्डियां का काफिला लेके।
ਤੁਸੀਂ ਕਨੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਨੌਰ ਤੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਕ MC ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਏਗੀ ਸਾਡੀ BJP ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ MC ਚੁਣਾਵ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।